नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में हर्ष महोत्सव का आयोजन आज लखनऊ के चिन्हट कोतवाली के सामने हर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया। हर्ष महोत्सव का पहला दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के नाम रहा, जिसमें उनके गाए हुए गानों को गाया गया व बच्चों ने उनके गानों पर डांस भी किया। कार्यक्रम का आयोजन नारायण सिंह एपिक इवेंट एवं प्रमोशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के नाम संध्या प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरदार जसवीर सिंह भारतीय सिख संगठन के अध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सरदार जसवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। कार्यक्रम का आयोजन एपिक इवेंट ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें विशेष सहयोगी संस्थाएं अवतार फाउंडेशन, केयर एजुकेशन ट्रस्ट, सृजन फाउंडेशन सहित अन्य संस्थानों ने अपनी भूमिका का योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन एंकर अमित अवतार व श्रेया ने अपनी बातों से लोगों के बीच समा बांधने का काम किया। साथ ही हर्ष महोत्सव में विशेष सहयोग रजत सिंह, राजवीर धीरज सिंह, राजवंश सहित अन्य लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई। सीमा जी बताएं, आज जो यहां पर हर्ष महोत्सव में आप बतौर मुख्य अतिथि आई है और सिद्धू मूसेवाले को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। हर्ष महोत्सव तो अपने में है ही एक उत्सव और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत उत्साह है लोगों में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम जो फेमस सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ये एक प्रयास है हमारे देश के नवयुवकों के लिए कि वो जो भी मान सम्मान फेम हासिल करते हैं किसी भी तरह से, तो समाज को देखते हुए बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के ही चलना चाहिए। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतने यंग सिंगर को इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम यही चाहते हैं कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ें और जो हमारे यहाँ का यूथ है, टैलेंट है, उसको ज़रूर प्रोत्साहन मिले। रजत सिंह नाम है। बेसिकली जैसे आप सब देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे चिन्हट ग्राउंड में हर्ष महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। ये 10 तारीख से शुरुआत हुआ है, 10 जून से इसका, और 9 जुलाई तक बेहतरीन प्रदर्शन चलेगा हमारा, जिसमें हमारे झूले हैं, डीजे नाइट है। और आज जैसे आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, आज हमारा ये 18 तारीख में सिद्धू मूसेवाला नाइट, जैसे उनकी एक दुखद, जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, और उस दुखद चीज़ों को लेके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चीफ गेस्ट भी आएंगे और भी हमारी पब्लिक है, हमारे मित्रगण हैं, हमारे साथ के लोग हैं जो उनको आज श्रद्धांजलि देंगे। आज हम सब मिलके उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखे हैं, सिद्धू मूसेवाला नाइट, जिसमें हम यहाँ डीजे प्ले करेंगे और भी चीज़ें, जितने भी हमारी पब्लिक है यहाँ की और जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनके साथ आप एक मिलके एक छोटा सा रंगारंग, मतलब बढ़िया कार्यक्रम करेंगे सिद्धू मूसेवाला के और लेके। और हमारा जो ये आप मेला देख रहे हैं, ये हर्ष महोत्सव जो कि आज से स्टार्ट हुआ, मतलब आज हम सिद्धू मूसेवाला नाइट करने के बाद 9 जुलाई तक चलेगा, और इसमें हमारे झूले हैं और भी एग्जीबिशन हैं और जो शॉप हैं, दुकानें लगी हुई हैं। हम सभी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब हमारे पब्लिक को एक बार थोड़ा सा आप सबके थ्रू से कि उनको थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, उनको चीज़ें पता चल जाएं कि यहाँ पे चिन्हट चौकी के सामने, हनुमान मंदिर के जब सामने ग्राउंड में एक हमारा हर्ष महोत्सव का बहुत अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और ये चलता रहेगा 9 जुलाई तक। आप सबसे बस यही लगता है, ये हमारा जो हर्ष महोत्सव है ये पहली बार हो रहा है और इस चैन को हम लेके चलेंगे काफी समय तक। ये हर साल हम सबका प्लान है कि इसको साल में 2 बार हम रिपीट करेंगे और ये जीवन हम इसको आगे तक चैन चलाने की उपलक्ष्य रखेंगे। पहले भी हम सब किए हैं लेकिन किसी के साथ जुड़ के किया करते थे, लेकिन ये इस बार हम सब ने खुद ही प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। ये उद्देश्य है कि आज सिद्धू मूसेवाला नाइट, जो कि हम सिखों को प्रेजेंट करते थे और जो उनके साथ हुआ ये सारी दुनिया जानती है, सारी पब्लिक जानती है, ठीक है, जो भी सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ है, तो उनकी याद में, उनकी चीज़ों में हमने एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक ये नाइट रखी है, जिसमें हम लोगों ने फ्री एंट्री रखी है लोगों को। और सारा हम तो काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से हम प्रमोशन भी कर रहे थे कि लोग आए, उनके जो गाने हम लोग दिन रात सुनते हैं, हर फंक्शन में सुनते थे, ठीक है, वो आज हमारे बीच नहीं है, जो उनके साथ गलत हुआ, तो इसीलिए उनको अप्रिशिएट देने के लिए, ठीक है, उनकी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, ठीक है, हम लोग ने ये नाइट रखी थी स्पेशल यंगस्टर्स के लिए कि हाँ, हम यंगस्टर्स के दिलों के वो राज करते थे,
ठीक है, तो इस वजह से आज ये नाइट रखी गई थी। आज कौन कौन लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे, उनकी जो जो उपलब्धियां रही उसके बारे में बताएंगे? ये हमारे चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं, सिख संगठन के अध्यक्ष जी आ रहे हैं हमारे भी, और साथ ही साथ काफी एनजीओस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 4-5 एनजीओस भी हैं और काफी लोग भी जुड़े हैं, कुछ इवेंट कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्टेड हमारी जो कंपनी ने किया है मुझे, ठीक है, इंस्पायर इवेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है काफी, ठीक है, और बाकी भी तो उद्देश्य यही रहा कि कहीं ना कहीं जो आज जो ये घटना हुई है उसपे श्रद्धांजलि। समय जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कार्यक्रम उसका रखा है, आज अगर आप लोग पंजाब में होते या जैसे दिल्ली में किया गया प्रोग्राम था इसको आप देखते, तो मेरे हिसाब में ये जितना आपका ग्राउंड है बहुत छोटा पड़ता, जो अभी उनकी जो लियाकत थी, जो उन्होंने अचीवमेंट इतने 5 साल में पीछे की, इतनी छोटी उम्र में, उतने कम समय में इस स्टेज पर पहुंचना हर आदमी के बस की बात नहीं है, उसके लिए ऊपर वाले का दिया हुआ हाथ जो उसके सर पे रहता है, उसका अपना मुकद्दर, उसकी अपनी मेहनत, उसके माँ बाप का जो उन्होंने उसको अच्छे गुण दिए हैं, उसकी वजह से यहाँ तक वो पहुँचे थे। आज उनकी याद में सभी जगह हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा उनको अपने चरणों में इसी का रनवास करके उनकी आत्माओं को शांति करके, यही जो है हम पीछे से यही कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।